किसानों से आज कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जिद जेब में रखो। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। इस आंदोलन में वर्तमान भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री अब हो चुकी है। मैंने कहा दिखा रहा हूँ, बताओ दिल्ली में एमएसपी खत्म हो रही, कहाँ है वो नोटिफिकेशन में मुझे दिखाओ, मैं यही खड़ा हूँ, वरना ये मानो कि टाइम्स नाउ झूठ रहा है, तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं आपसे, क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचनों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया की करेंगे कि पूरे हफ्ते गोदी मीडिया ने क्या किया, पर इस पूरे हफ्ते तो किसान ही छाए रहे। किसान कुछ दिन पहले सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। किसान और सरकार की मीटिंग में कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। किसान पहले ही एक बार भारत बंद कर चुके हैं। आप रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार की वीडियो देखिए जिसमें वे किसानों के बारे में क्या कहता नजर आ रहा है। किसानों से आज कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जिद जेब में रखो, देश के बारे में सोचो। हमें आप लोगों के हक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश नहीं रोकना चाहिए। देश रुकेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो आपने खुद ही सुना पत्रकार को, वह किसानों को लेकर क्या कहते नजर आ रही है। अब आप अर्नब को भी सुन लीजिए, किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की उन्होंने एंट्री करा दी है। ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये नहीं चाहते कि समाधान निकले। पहले ये शाहीन बाग में फेल हो गए दोस्तों, इनकी दंगे वाली साजिश हाथरस ने भी नाकाम हो गई। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं मैं बताता हूं। ये चाहते हैं कि जिस तरह से शाहीन बाग को खींचा, एक महीने दो महीने इस आंदोलन को भी खींचा जाए। खैर अर्नब तो अपने पुराने टोन में ही है, टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हम उम्मीद करेंगे कि अर्नब को इन सब के अलावा लाखों किसान दिख जाएं या फिर किसानों की मांगे भी सुनाई दे जाएं। अब बात करते हैं उनकी, जिससे कभी किसान अच्छे लगते हैं तो कभी बुरे। हम बात करेंगे सुधीर चौधरी की, वह भी अब किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री पर बात कर रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी ताकतें एक बार फिर से एकजुट हो गई हैं और देश को कैसे वो कमजोर करना चाहती हैं। हक के लिए चलाए जा रहे एक आंदोलन में अचानक टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और अर्बन नक्सलियों की एंट्री कैसे हो गई, ये समझने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा सा आज पीछे जाना होगा। देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और किसानों की क्रांति को कमजोर करने के लिए इस आंदोलन में वर्तमान भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री अब हो चुकी है। अब आप इन महाशय को भी सुन लीजिए, कैसे वे सरकार की फेवर करते नजर आ रही है किसानों के आंदोलन को लेकर। अब आज की तारीख में क्या कहा जा रहा है कि तीनों बिल ही हटा लीजिए, वापस ले लीजिए, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। और आज भी जब किसान बात करने के लिए गए तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर जमीन पर बैठकर खाया। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं मुझे ये बताइए। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? वो भी तो सरकार ने बनाई होगी। अगर सरकार का बॉयकॉट कर रहे हैं तो सड़क पर चलकर नहीं आते, फिर उड़कर आते। हाल ही में हमने देखा कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को किसानों ने कैसे भगाया। विपक्ष के नेता भी कम नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के पास टाइम्स नाउ के पत्रकार पहुंचे तो संजय सिंह ने उल्टा उनसे सवाल कर दिए, जिससे वे परेशान हो गए। तीन चार झूठ बोला तुमको, पकड़ा सीधे में। कैसे कैसे? मैंने आपको स्टेटमेंट, कैमरा लगा के बात करो, मैंने आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। ऐसे मत करो, कैमरा लगाओ, आईडी लगाओ, कैमरा लगा के तो आईडी लगाओ ना, कैसे लगा दी? खेल मत खेलो, लगाओ आईडी। खेल नहीं खेल रहे सर, झूठ बोल रहे हो तुम। सर आप भी रहे, आपका चैनल झूठ बोल रहा है। कैसे आपके? मैंने कहा दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ, बताओ दिल्ली में एमएसपी खत्म हो रही, कहाँ है वो नोटिफिकेशन में मुझे दिखाओ,
मैं यही खड़ा हूँ, वरना ये मानो कि टाइम्स नाउ, टाइम्स नाउ झूठ बोल रहा है, तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, तब झूठ क्यों बोला तुमने? तुमने कहा तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, आपने ये बोला? मैंने ये बोला तीनों कानून हमने बोला? क्या बोला आप? हमने एक कानून के बारे में, मैंने कहा कानून का नाम लिया, मैंने कहा कुछ भी कानून नहीं बदला, मैंने एक कानून का नाम, मैंने कहा ना कुछ कानून बदला है ना कुछ लागू किया है, और बताओ। तो जब आप स्टेटमेंट भी जारी करो और खुद ही मना कर दे रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं? तुम चार छह झूठ लेके आ जाओगे दिन भर, ये चलाओ तुम्हारा काम है? किसानों को आतंकवादी बोलो तुम लोग, वही है सर, तुम लोग किसानों को आतंकवादी बोलो, बोले भी नहीं है, तुम्हारा चैनल यही काम करता है, बोला भी नहीं, किसानों को आतंकवादी बोलो तुम लोग, मैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का, हम किसानों को, आप किसानों को आतंकवादी बोलिए, आपका काम यही है। गोदी मीडिया एंकर जब डिबेट्स में उन्हें कोई गोदी मीडिया बुलाता है तो तड़प जाते हैं, ये तो हमने देखा ही है, पर अब जिसे हम गोदी मीडिया बुलाते हैं वह खुद ही गोदी मीडिया की डेफिनेशन दे रहे हैं। गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा ही बता देता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते हो गए, आसपास में गली मोहल्ले में रहते हो गए, आप देखते हो गए ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पर बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पर होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो, और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहाँ दीवारों पर जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पर जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है, ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। इन्हें हम गोदी मीडिया क्यों कहते हैं ये आप इन उदाहरणों से समझ जाएंगे। देश में कोरोना वैक्सीन तैयार होने जा रही है, इससे पहले मोदी जी भी वैक्सीन का जायजा लेने गए थे। अब एबीपी न्यूज के इस ग्राफिक को देखिए, क्या लिखा है, वैक्सीन गुरु और साथ मोदी जी की फोटो, और वीडियो में क्या कह रही है आप ये भी सुनिए। तो भारत की बात में बात यही कि अब तक आप भारत का डंका बजने की बात सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको भारत के बजते डंके का सजीव चित्रण दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ हम ही नहीं दुनिया के 64 देश कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के इस महामारी के समंदर से जिंदगी के साहिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। आज तक का ग्राफिक भी देख लीजिए, हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखिए और मोदी जी की फोटो। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखने के लिए आज दुनिया के 64 देश हैदराबाद पहुंचे। वहीं दिल्ली में देश में बन रही दो वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। भारत में वैक्सीन बसाने ही वाली है, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने देश में वैक्सीन दिए जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोरोना से जंग का ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लान। अब न्यूज चैनल तो वैक्सीन का क्रेडिट भी मोदी जी को दे रही है, उनका क्या जिन्होंने अपनी नींदें खराब कर दिन रात मेहनत कर वैक्सीन तैयार की। अगर न्यूज चैनल नहीं तो कम से कम हम तो उनको सलाम करते हैं और किसानों के जज्बे को भी सलाम करते हैं। गोदी मीडिया को अब तक तो समझ आ जाना चाहिए कि देश में क्यों उनका विरोध बार बार हो रहा है। हम सवाल सरकार से करते हैं और मीडिया की आलोचना भी, वह हम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।